काम बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया? छाया पड़ा यार। अरे अब तो यार परेशान हो चुके हैं, 20-20-30 लाख आगे। अरे ऐसा क्यों? बस क्या बता तो गाइस, ये देख सकते हैं हमारे सन्नू भाई काटिंग लगा रही है, काटा वाटा किलोमीटर में कट रहा हूँ। अच्छा अर्जेंट में आया ये? बहुत अर्जेंट में कट रहा है किलोमीटर किलोमीटर। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये सब यहाँ से माल वाल उठा रहे हैं किलोमीटर जिंदगी ये देखो हमारे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, जिंदगी खराब कर दी। कम कपड़ा मजा नहीं आता कटिंग करने में, ज्यादा पीस होता तो मजा आता है। 10,000 पीस, 10,000 पीस होते हैं तो ये एक कलर में 500 कटते हैं, 1,000 कटते हैं। हाँ, अब के थोड़ा कम आया। तो गाइस मैं मिलवाता हूँ आपको कारीगरों सिलाई वालों से, और ये जाने वाले घर पे। हम लोग सब नाइट में काम कर रहे हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ क्या काम कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम यार, अब घर जाने में टाइम हो गया, मास्टर के लिए अर्जेंट है यार। ये अर्जेंट माल आ गया, 5 तारीख का टिकट अब टाइम टेबल नहीं है, क्या टॉप बनाने में बताओ क्या होगा? क्या हमारी टिकट कैंसिल हो जाए? सही ही बनाने का ना यार, अब ये बोल रहे हैं बनाना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ तो गाइस ये देख सकते हैं, ये लेडीज पैंट बना रहे हैं कारीगर। हम तो परेशान हैं, दिन में भी कर रहे हैं रात में भी कर रहे हैं। ये देखो आप काम है तो रात में भी कर रहे हो, तो दिन में भी तो अच्छी बात है ना। अरे तो घर जाने का टाइम आ गया भाई। अच्छा घर जाने का टाइम आ गया, ईद तो मनानी है, ईद भी बनानी है, सही बात है। फिर दूसरे में कारीगरों से मिलाता हूँ, ये इरफान भाई हमारे। अस्सलाम वालेकुम। पूजा दर्ज करना चाहते हैं आप? इतना घर जा रहे हैं, इतनी मजा आ रहा है काम करने में। इतना घर जा रहे हैं, इतना ही मजा आ रहा है, मतलब काम नहीं हो रहा है। और जबर जबर दिखाओ ये क्या हो रहा है? जमुरी एक बार में निकलती है। अच्छा आराम से बनाने, अब आराम से बना रहो, अब दिल नहीं कर रहा है काम करने? ऐसा दो नाइट है काम है, एक नाइट। हाँ ये भी बात बनाना पड़ेगा, ये भी बात सही है। तो भाई इनसे मिलवा चुके हैं, ये भी देखो लेडीज पैंट बना रहे हैं कॉटन की, बहुत ही अच्छा खूबसूरत कपड़ा। फिर दूसरे कारीगर से मिलाते हैं, तीसरे कारीगर से। अस्सलाम वालेकुम भाई, अन्ना भाई, अन्ना भाई खैरियत? खैरियत अल्लाह करे में भाई। भाई सलाम नहीं लिया आपने हमारा यार, क्या बात। वालेकुम सलाम, क्या निकालते हो ये तुम? नाड़े, नाड़े निकाल लो, जिंदगी में बांधो भाई, भोपड़ी के नाड़े निकालते काल टोपी लगाओगे आप, गाली बक रहे हो यार। सब चलेगा ना, होल भला कुब्बत यार, ऐसा ना बोलो। ये देखो ये नाड़ी नाड़े निकाले हमारे अन्ना भाई ने, तो ये भी घर जाने वाले हैं। तो घर कब जा रहे हो तुम? हाँ कल इंशाल्लाह, परसों चले जाएंगे। परसों जाओगे इंशाल्लाह? अच्छा बहुत दिन हो गए, कम से कम 4-5 महीने हो गए बाहर रहते रहते। अच्छा तो कौन से गाँव में रहते हो तुम? है कौन से गाँव में रहते हो? हम रहते हैं जिला रामपुर। जिला रामपुर टांडा, टांडा बादली। तो गाइस ये टांडा बादली रहने वाले कारीगर हैं और ये जाने वाले हैं, बस आज का इनका काम हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम भाई आप जी। खैरियत? क्या कर रहे हैं आप? लास्टिक चढ़ाया जा रहा है। ये देखिए आप भाई, तो ये हमारे हजरत साहब बड़ी मेहनत से लास्टिक चढ़ा रहे हैं। 3 दिन हो गए भैया इस पे चढ़ाते। 3 दिन हो गए तो आप नहीं जा रहे हैं ईद मनाने? नहीं मैम, आप नहीं जा रहे, आप यहीं बनाएंगे? अच्छा तो गाय जी ये नहीं जा रहे हैं, ये बना रहे हैं यहीं पे। तो काम वाम सही हो रहा है आपका? हाँ सही। ये देखिए कितनी मेहनत है, ये देखो कितनी खूबसूरत सिलाई लग रही है, बहुत प्यार से मार रहे हैं अभी जी सिलाई है। लेडीज पैंट बन रही है ये देखें आप, ये देखें तो बढ़िया अभी जी। और चलो भाई हमारे दूसरे तीसरे चौथे कारीगर, क्या हाल है भाई? बयान भाई बढ़िया है। क्या सुन रहे हो, गाने सुन रहे हो क्या? अरे ना ना शरीफ सुन रहे हो। अगर ये देख सकते हैं ये नया ट्रेंड पेंटों का बना रहे हैं। तो आप घर जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? नहीं घर नहीं जाएंगे, अभी एक महीना हुआ ही वहीं की तरफ। अच्छा यही दिन बनाओगे? अच्छा तो गाइस ये दे सकते हैं, ये पॉकेट लगा रहे हैं, लग गई है ये सिलाई। ये लेडीज पेंट बन रही है भाई अर्जेंट में, बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट में ये काम हो रहा है। एक पॉकेट लग रही है, ये देखो एक पॉकेट लग रही है, बाकी ऊपर प्लास्टिक चढ़ेगा। वो तो गाइस सबसे इन्हें तो तुम जानते होगे, सूरत और शक्ल से बताने की तो जरूरत ही नहीं है आपको। ये प्रधान जी हमारे ओवैसी साहब को लड़ा रहे हैं, क्या कहना चाहते हो? ओवैसी साहब क्या पतंग पतंग तो ये पतंग के पीछे पड़े हुए हैं, उन्हें जिता के मारेंगे। तेल डाल लो थोड़ा सा, तेल डाल के देखते हैं। तो ये देखिए गाइस
ये पेंट का दूसरा कलर, तीसरा कलर, ये मुजाहिद भाई हमारे, इनकी मशीन धागा ज़्यादा ही काट रही है। सारे कलर दिखा दिए इस पे, धर्राटे काट रही है, धर्राटे भाई इस तरीके से मत, क्या बोलते हैं अब तो क्या कहते हैं, काम सही है तुम्हारा, काम तो आगे जब तुम लोग चले आओगे उसके बाद में होगा काम ठीक। मतलब हमारे जाने के बाद होगा। तो अर्जेंट में बनना ना ये। अच्छा तो हम मनाते आराम से, इतना की से यार अभी इतना हम खाली घूमेंगे, दो चार दिन का काम। हाँ ये तो है, निपटा के चले आओगे, चलो कोई बात ना, हमें भी साथ मिल जाएगा। हाँ ये तो है, महीना हो गया, ये तो बात सही है, अब थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा ना। हाँ, आराम मिल जाएगा। कुछ ज्यादा ही धागा काट रही है तुम्हारी मशीन? सही चल रही है, मोबाइल को देखकर धागा काटने लगी, घबरा गई। चलो चलो फिर मिलते हैं ना सब लोगों को। ये शायद आपका आखिरी ब्लॉग होगा। हाँ आज ये आखिरी का ब्लॉग है ये, फिर ये देखो सुनसान हो जाएगा यहाँ पे। और मैं लेना चाहता हूँ सबसे प्यारे हमारे मास्टर साहब, कटिंग करते हुए भी दिखाना चाहता हूँ मैं आपको, कटिंग करते हुए भी दिखाना चाहता हूँ। ये पहला ब्लॉग है, फिर मैं गांव जा रहा हूँ, फिर आगे बनाऊंगा। ये हमारे सरताज भाई। हेलो गाइस, क्या कहना चाह रहे थे जब से? कहना क्या चाह रहे, घर की जाने की हो रही यार। मास्टर ने एकदम सी पीस ला कर रख दिया कि अर्जेंट है। अर्जेंट है तो अच्छी बात है ना, यहाँ छुट्टी में छुट्टी रहे यार, घर को जाने का नाम लेते हैं तो काम कहाँ हो गया यार। क्यों न होता यार, नहीं होता जैसे छुट्टी, कभी ऐसा कभी वैसा हो रहा है, अर्जेंट है तो अच्छी बात है ना यार, काम हो रहा तो यार। अच्छी बात तो है यार, घर जाने के टाइम पे न होता काम। अच्छा चलो, इनकी ये ख्वाहिश थी, आप कटिंग कर रहे हैं। ये सन्नू भाई हमारे। क्या हाल है सन्नू भाई? यार काम बिल्कुल नहीं है, कचरा कट रहा है बहुत तरीके से। क्यों कचरा कट रहा है? काम बिल्कुल नहीं है। अरे क्या हो गया? छाया पड़ा यार। अरे अब तो यार परेशान हो चुके, 20-20 पीस लगा के। अरे ऐसा क्यों? बस क्या बता, तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे सन्नू भाई कटिंग लगा रहे हैं, काटा वाटा किलोमीटर में कट रहा हूँ। अच्छा अर्जेंट में आया ये? बहुत अर्जेंट में, 20-20 कट रहा है किलोमीटर। किलोमीटर तो गाइस ये देख सकते हैं, ये सब यहाँ से माल वाल उठा रहे हैं किलोमीटर। जिंदगी ये देखो हमारे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं, जिंदगी खराब कर दी, कम कपड़ा मजा नहीं आता कटिंग करने में, ज्यादा पीस होता तो मजा आता है। 10,000 पीस होते हैं तो ये एक कलर में 500 कटते हैं, 1,000 कटते हैं। हाँ अब के थोड़ा कम आया, देखो गाइस ये भी गुस्सा हो रहे हैं, बोले कम कम काटने में मजा नहीं आता हमें, ज़्यादा माल होने चाहिए क्वांटिटी तो मज़ा आती है काटने में। ये देखो लहर लगेगी, क्योंकि एक दिन काम होता है फिर छुट्टी पड़ती है, क्योंकि इलेक्शन के वजह से काम ज़्यादा ही मद्दा है। ये देखो आप यहाँ लगाया, उधर फांसेंगे, बहुत ही फुर्ती है भाई इनके अंदर। किलोमीटर में ज़्यादा दूर भागना पड़ता है, क्योंकि ये लेयर इस पर लगाते ना तो एकदम इकट्ठा हो जाता है कपड़ा, एकदम कटिंग हो जाता है। यहाँ पूरी लहर पड़ी। तो गाइस ये भी दिखाया मैंने आपको, ये टेबल पड़ा हमारे मास्टर साहब का, यहाँ पे कटिंग होती है। ये कटर है, ये कटर है, और ये सब कपड़ा बिछवा देगा। ये परेशानी पड़ती है, इसमें कितने कलर हैं, ये परेशानी पड़ती है कम पीस काटने में, ज़्यादा ज़्यादा लोड होता है ना तो मज़ा आती है काटने में। तो इसके लिए हमारे मास्टर साहब भड़क रहे हैं, बोले लोड हो बड़ा तो जब ही मज़ा आता है। ये देखो सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, अभी तो माल वाल सब जाने को है, क्योंकि ईद की छुट्टी पड़ने वाली है, तो इसके वजह से माल सब जाने वाला, कम माल बनना है। तो ऐसी वीडियो के लिए लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और देखते रहें।